वेलकम टू मानसी रसोई कुंड। मेरे अपने चैनल मानसी रसोई कुंड में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो है दो कप मैंने मूंग लिया है, तो ये हरे वाले मूंग है और इस मूंग को जो है अच्छे से कपड़े से पोंछ के लेना है। और यहाँ लिया है खजूर, खजूर का मैंने बीज निकाल दिया है। और यहाँ लिया है काजू, किशमिश और बादाम, और ये है खरबूजे के बीज। तो आज हम आपको शुगर फ्री लड्डू बनाना बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर रहता है यह लड्डू और बहुत ही ताकतवर लड्डू है और बिल्कुल शुगर फ्री लड्डू बनेंगे ये। तो चलिए आज की ये रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है। आप या तो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट का पाउडर भी ले सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट के पाउडर में काजू, बादाम और किशमिश लिया है यहाँ पर। तो आप ड्राई फ्रूट के पाउडर में और भी कुछ मिक्स कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, गैस पे रख देना है कढ़ाई। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे अपना हरे वाले मूंग, और मूंग को जो है अच्छे से रोस्ट करना है। गैस को धीमी आंच पे रखना है और इसको धीमी आंच में भूनते रहना है। जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो यह आप देख सकते हैं मूंग का कलर जो है चेंज हो गया है। मुश्किल से 5 मिनट लगता है इस मूंग को भूनने में। और इसी कढ़ाई में जो है हमने जो खरबूजे के बीज लिया है इसको भी 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये जैसे ही चटकने लगे हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज की ये लड्डू बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए मूंग को हमने निकाल दिया है। अब जो है इसको हमें ठंडा करना है, तो ठंडा मैंने अच्छे से कर लिया है इसको। अब हम डालेंगे इसको मिक्सर जार में और इसका जो है एक पाउडर तैयार करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पाउडर भी बनकर तैयार हो जाता है। आज की जो ये रेसिपी है बिल्कुल शुगर फ्री है, हम इसमें शुगर और गुड़ की यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने जो मूंग का पाउडर तैयार किया है इसको हम अभी छानेंगे। यहाँ पर बड़ा सा एक प्लेट लिया है, इसमें हम लेंगे एक छलनी और इसमें हमें पाउडर को डाल देना है और छान लेना है। तो इसको छलनी से अच्छे से छान लेना है पहले, जिससे कि हमारे जो मोटे दाने वाले पाउडर रहेंगे ना वो निकल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है ये लड्डू, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो ये देखिए इसका पाउडर जो है मूंग का हमने निकाल दिया है, जो मोटे दाने वाले हैं उसको हमने साइड में कर दिया है। अब हमें लेना है कढ़ाई गैस में और इसमें हमें डाल देना है आधा कप घी, और इसी घी में हम डालेंगे आधा कप आटा। तो ये गेहूं का आटा है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। गेहूं का आटा डालने से हमारे लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। और इसमें अभी जो है हम डाल देंगे मूंग का जो पाउडर हमने तैयार किया है इसको डाल देंगे और आटे के साथ में मिक्स करके हम इसको भूनेंगे। तो आप चाहे तो आटा और मूंग का जो पाउडर है इसको अलग अलग करके भी भून सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक साथ में ही भून रही हूँ। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना इसका जो घी है रिलीज़ करने लगेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हेल्दी रेसिपी है, बिना शुगर बिना गुड़ के ये लड्डू हम बनाकर तैयार करेंगे आज। और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा असरदार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इस लड्डू की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए आटा और मूंग का जो हमने पाउडर निकाला था वो अच्छे से मिक्स होकर बहुत बढ़िया तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा घी। तो घी में यहाँ पर टोटल 1 कप घी से ही पूरा लड्डू हमें बनाकर तैयार करना है। तो मैंने 1 कप घी लिया है पूरा, और अभी जो हमने घी डाला है इसके बाद हमें और घी नहीं लेना है क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा घी नहीं डालना है। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे यह अच्छे से घी छोड़ने लगेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से यह लड्डू बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो रहा है और धीरे धीरे घी जो है छोड़ने लगा है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये बहुत बढ़िया तरीके से घी छोड़ने लगा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में और बहुत ही पौष्टिकदार प्रोटीन से भरपूर है। तो ये देख सकते हैं आप इसका घी जो है लगभग छोड़ने लगा है। हमें इसको और 4 से 5 मिनट तक भूनना है
और अब जो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे किशमिश। तो किशमिश को जो है आप अलग से घी में भून सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जो आटा और मूंग दाल का जो पाउडर मैंने तैयार किया है उसमें ही मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश, अलग से घी में नहीं भूनूंगी। इसके साथ में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको, और मिक्स करके जो है एक प्लेट में निकाल कर हमें इसको ठंडा करना है। बहुत ही कम टाइम लगता है इस रेसिपी को बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये घी छोड़ने लगा है। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे, और इसी कढ़ाई में हमें डाल देना है और 4 से 5 चम्मच घी, और इसमें हमें डाल देना है खजूर का पेस्ट। तो यहाँ पर जो हमने खजूर लिया है इसका बीज तो हमने निकाल दिया था और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया है, और इसी कढ़ाई में हमने घी डाला है और इसमें जो है खजूर के पेस्ट को दबाते हुए चम्मच से इसको मेल्ट कर देना है। जैसे जैसे आप इसको बुनते जाएंगे खजूर के पेस्ट को, ये बहुत बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा लड्डू जो है बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो इसमें हम शुगर और गुड़ का यूज़ नहीं करेंगे, और ये जो खजूर का पेस्ट है इसी के साथ आज ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आज की जो रेसिपी है आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए खजूर का जो पेस्ट है बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो रहा है घी के साथ में, और इसको चम्मच से जो है दबाते हुए हमें इसको घी के साथ में अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारे लड्डू जो है अच्छे से बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने आटा निकाला है ये अच्छे से जो है ठंडा हो गया है, इसमें हम डाल देंगे खरबूजे का जो बीज है इसको अच्छे से हम ऊपर से डाल देंगे, और अब जो है हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो अगर आपके पास ड्राई फ्रूट का पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस पाउडर में काजू है, बादाम है और किशमिश है। तो ये काजू, बादाम और किशमिश जो है इसका पाउडर मैंने अलग से बनाकर रख लिया था, इसी को भी मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें डाल देना है खजूर का पेस्ट, और इस बात का ध्यान देना है खजूर का जो पेस्ट है ये हल्का सा गर्म है, तो पहले हमें इसको चम्मच से मिक्स करना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है, और अब जो है हम इसमें घी वगैरह नहीं डालेंगे, ये जो खजूर का पेस्ट है ना इसी के साथ ही हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे, इसमें हमें घी डालने की और ज़रूरत नहीं है। टोटल मुझे 1 कप घी लगा है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसलिए मैंने इसमें हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से झटपट से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है, और ये बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। शुगर फ्री लड्डू है, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है, ताकत से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर है। आप इसको बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए हम लड्डू जो है बांध रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से झटपट से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद अनुसार और भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट का पाउडर ली हूँ, और इस लड्डू में ज़्यादा हमने घी भी नहीं डाला है, बहुत ही कम घी के अंदर हमने इस लड्डू को बनाकर जो है तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से, हल्का सा गर्म है ये, तो गर्मा गर्म जो है हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है लड्डू हमारे। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।